Okay, so Manish, first of all, thanks. You gave me your time, precious time, and also congratulations for getting selected in two IITs, IIT Roorkee, IIT Jammu, for PhD course in Electrical Engineering. Thank you, sir. Thank you so much. And okay. It's my pleasure to have you, sir, in front of me. Yeah. So Manish, you have done your master's, M.Tech from NIT Kurukshetra, as you just mentioned. So yes, this entire interaction will be related to, the master's program in India and then getting into PhD program in India. What are the requirements and how a student who aspires to do PhD in these courses, how he can prepare himself. इस direction में हम इस सारी interaction को रखेंगे. So मेरी starting Manish आपके background से हम करेंगे. But please tell from which part of India you are and आपने graduation कौन से college से किया. Mention the name of your college also. And from your college you landed up in NIT. What was your GATE score and all? और फिर आपने पीएचडी में कौन कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था एंड वेयर यू फाइनली गॉट सिलेक्टेड. ओके सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के जिले से हूँ. वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली. ओके, मैंने गाजियाबाद से, जो कि मेरे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से इन मैनेजमेंट कोटा मैंने बीटेक किया था इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. द कॉलेज नेम वॉज श्री गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी उसका नाम वगैरह चेंज हो गया वैसे. एंड देन मैंने 16 में पास आउट हुआ था वहाँ से. उसके बाद मैंने दो साल काम किया था इन इंडस्ट्री, मैंने काम किया था. वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ था कि वहाँ पे जो काम चल रहा है वो बिलोंग करता है बुक्स से, और इसलिए मैं एक बुक लेके वहाँ पे अपने साथ रहता था हमेशा, ताकि मैं जो वहाँ पे हो रहा है उसको वापस पढ़ सकूँ. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता चला था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. इवन यही पता चलता था कि मैंने कुछ भी नहीं किया अपने कॉलेज में. okay. वो चार साल सिर्फ डिग्री मैंने अर्न की है, बाकी कुछ नहीं हुआ है. तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेडमिक्स में अपना करियर बनाऊं. मैंने पहले कोचिंग ज्वाइन की गेट और आईएएस की प्रिपरेशन के लिए. स्पेशली मेरा फोकस आईईएस था वैसे, ईएससी जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज. ओके, बट उसके बाद फिर मैंने साथ में टीचिंग ज्वाइन कर ली थी. मैं एक डिप्लोमा कॉलेज में एज अ लेक्चरर मैंने काम किया था. ओके, फिर मेरा ईएससी का प्रीलिम्स तो नहीं निकला उस ईयर का, लेकिन मेरा गेट निकल गया 2019 का. फिर मैंने गेट अपीयर हुआ, गेट में निकल गया, उसमें डिसेंट रैंक आ गई थी. मैक्सिमम आईआईटी से मुझे कॉल आया था उसके एमटेक के लिए. बट उस टाइम कोविड नहीं था. कोविड ना होने की वजह से सारे जो इंटरव्यूज थे सब ऑफलाइन होते थे. तो मुझे हर कॉलेज के लिए अलग अलग जाना पड़ता था. कहाँ मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, फिर उधर तिरुपति जा रहा था. तो एक बहुत बड़ा एक ट्रैवल का एक बैरियर था मेरे सामने. उनमें किसी में मैं सेकंड राउंड तक पहुंचा, किसी में बाहर हो गया. फाइनली आईडी तिरुपति में काफ़ी अच्छा सा हुआ. लेकिन वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेसर इन ऑफ माय डोमेन, वो वहाँ पे नहीं थे, इस वजह से वहाँ उन्होंने मुझे नहीं लिया. उन्होंने मुझे इंटरव्यू बोला था कि मनीष आपका इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन प्रोफेसर ना होने की वजह से हम आपको नहीं ले सकता. तो ये हुआ था. उसके बाद मैंने फिर जब और कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, मैंने एनआईटीज का फॉर्म भर दिया था. क्योंकि एनआईटीज में मुझे पता चला था कि हाँ वहाँ पे मुझे इंटरव्यू देने नहीं जाना पड़ेगा हर जगह. तो इन फर्स्ट राउंड मुझे मिला था एनआईटी सिलचर, जो कि मेरे यहाँ से काफ़ी दूर भी है. इन सेकेंड राउंड मुझे मिला एनआईटी कुरुक्षेत्र. द डिस्टेंस बिटवीन माई प्लेस एंड द एनआईटी कुरुक्षेत्र वॉज अबाउट 150 किलोमीटर. ओके, तो मुझे ये काफ़ी पास लगा, तो मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र को फाइनल कर लिया था. मैंने 2021 में एमटेक पास आउट किया, जिनमें कि कॉलेज ईयर तो मेरा सिर्फ वन एंड हाफ सेमेस्टर रहा, उसके बाद कोविड हो गया. इसी बीच में जो मेरे प्रोफेसर थे जिनके अंडर में एमटेक कर रहा था अपने, वो बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे इतना गाइड किया था, इतना मुझे रिसर्च के बारे में बताया था. तो फिर मैंने उसमें दो कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी निकाले, दो रिसर्च पेपर निकाले, और जिनका मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिला मेरे आईआईटीज के इंटरव्यू के लिए. फिर मुझे जब मैं जून में पास आउट हुआ, उस टाइम मैंने आईआईटीज के फॉर्म भरे समर सेशन के लिए. उसमें मेरा हर जगह हुआ, हर जगह मुझे कॉल आए, हर जगह मैं सेकंड राउंड में गया, थर्ड राउंड में गया. और लेकिन वहाँ पे मुझे कोविड हो गया उस बीच में. मुझे कोविड हो गया, मेरे फैमिली में कोविड, कई लोगों को गया था. तो इंटरव्यूज मेरे बहुत अच्छे उसके बाद वाले नहीं गए. जैसे आईआईटी धारवाड़ में मेरा सेकेंड राउंड में पहुंचा था मैं. ऐसे सब कुछ रहा. उसके बाद फाइनली मेरा उस टाइम कहीं नहीं हुआ, मुझे विंटर का वेट करना पड़ा. एंड नाउ इन विंटर सेशन मैंने फिर कुछ आईडीज में अप्लाई किया. इस बार मैंने मेक श्योर किया कि मुझे सिर्फ उन्हीं आईडीज में अप्लाई करना है जिनमें प्रोफेसर हैं मेरे डोमेन के.
जिस फील्ड में मुझे काम करना है। ओके जैसे इन समर सेशन में एक IIT रोपड़ में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। इट इज जस्ट बिकॉज कि उनके पास प्रोफेसर नहीं था जो मेरे डोमेन में काम करता है। सही है। तो इस बार मैंने सिर्फ गिनी चुनी 4-5 IITs में फॉर्म फिल किया और बाय लक और कुछ भी चीज कह लीजिए मेरा हर एक में हो गया, हर एक में अच्छा इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा हुआ, 2 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा लेकिन IIT रोपड़ का मुझे चांसेस है उसमें भी हो जाएगा, मैक्सिमम अच्छा चांसेस उसमें है इस बार। अच्छा मनीष, अब जितनी भी आपने बातें बताई हैं मैं उसको समराइज कर रहा हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले रहा हूँ आपसे। पहले मेरे को ये बताइए कि आपका NIT कुरुक्षेत्र में जब हुआ था तो आपका गेट स्कोर क्या था? सर मेरा गेट स्कोर था 562 इन इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग कैटेगरी कैटेगरी जनरल, जनरल कैटेगरी 566 पे NIT कुरुक्षेत्र आपने, और CGPA बीटेक में कितना था आपका? सर मेरा 68% था। 68%। तो मतलब मेजोरिटी जगह पे आप MS के लिए एलिजिबल नहीं थे, MS के एलिजिबल नहीं थे। तो MTech आपके लिए एक ऑप्शन था जो आपको जाना चाहिए। ठीक है, डन। यस सर। अच्छा अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है कि बोलते हैं कि MTech में आपका CGPA कितना मेंटेन किया आपने? सर MTech में मेरा जो फाइनल एग्रीगेट बना वो बना 8.8। मतलब आपने बीटेक के पाप एमटेक में धो लिए सारे। यस सर, ऐसा ही कुछ। अच्छा अब ये CGPA मैंने सुना है कि गेट कई जगह तो रिक्वायर्ड होता है नई IITs में और कई जगह गेट रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर एमटेक टू PhD। सब आप, मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने भी मैंने फॉर्म फिल किए हैं हर एक में गेट मांगा गया है, बेशक हम एमटेक के वैलिड थ्रू भी कर नहीं, रहे मतलब हैं। गेट स्कोर होना चाहिए लेकिन वैलिड नहीं, 3 साल वाला नहीं, ऐसा जी कुछ है कुछ क्या? कुछ IITs में ऐसा है जो वैलिड मांगते हैं अच्छा और कुछ IITs ऐसी हैं जो बस मांगते हैं कि आपने कभी भी गेट अपियर किया हो और आपका एक क्वालिफाई अच्छा हुआ हो। लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं आपने कि दिल्ली IIT बॉम्बे वगैरह पे अप्लाई किया था पुरानी IITs में? यस सर, मैंने IIT दिल्ली में भी किया था, IIT बॉम्बे में भी किया था, दोनों में शॉर्टलिस्ट हुआ था। अच्छा उन्होंने मांगा था गेट स्कोर? सर बहुत एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने फिल हर जगह किया है। ठीक है। मुझे ये याद नहीं है कि वो वैलिड मांगते हैं क्या मांगते हैं, लेकिन हाँ अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो गेट कंपलसरी है सर। सही है। ओके अच्छा मेरे को ये बताओ मनीष, जैसे कोई स्टूडेंट है जो आपने NIT से किया है, कोई स्टूडेंट है नॉर्मल कॉलेज से कर रहा है, ऑर्डिनरी कॉलेज से कर रहा है और लेकिन काम अच्छा कर रहा है, एमटेक में अच्छा काम कर रहा है, CGPA अच्छी मेंटेन कर रहा है, तो उसके क्या सर चांस है IITs में PhD में? अगर वो किसी CFTI से बिलोंग करता है, जो सेंट्रली फंडेड कॉलेज है उनसे बिलोंग करता है, तो उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बट अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज से ही है, देन फॉर एग्जांपल मैं IIT जम्मू का लेता हूँ, तो IIT जम्मू में था कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से हैं देन यू आपका जो CGPA होना चाहिए वो होना चाहिए 9, और अगर आप CFTI से हैं तो आपका 9 होना चाहिए, और अगर आप प्राइवेट से हैं तो 9.5 चाहिए था फॉर डायरेक्ट PhD। ओके दैट तो इज मतलब अ क्राइटेरिया इतना हाई रखते हैं फिर वो कि बेसिकली हर आदमी उससे कहीं ना कहीं बाहर ही हो जाता है। अच्छा मनीष, तो आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि IIT रुड़की और IIT जम्मू? अच्छा सर IIT रुड़की डिसाइडेड है आपका, राइट? यस तो सर क्या आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि प्रोफेसर कौन है जिनके अंडर आपको काम करना है, या वो भी करना है? यस सर दोनों मैं डिसाइड फाइनल हो गया। कर। ठीक है, डन डन। आपने उनसे बात भी हो गया होगा आपका? यस सर उनसे सारी बात हो गई है, उन्होंने मतलब सारे फाइनलाइजेशन जो होना था कि क्या क्या कोर्स वर्क लेना है क्या करना है वो सब कुछ हो चुका है। अच्छा अब मेरे को NIT कुरुक्षेत्र के बारे में चलते हैं। देखो जो NITs हैं उनमें बीटेक में तो प्लेसमेंट अच्छा होता है लेकिन बोलते हैं कि एमटेक में प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन मेरी कुछ बात हुई है कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो ये बोलते हैं कि सर एमटेक में क्या होता है कि जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है ना वो प्लेसमेंट नहीं करवाता, बच्चे अगर खुद कंपनियां लाना चाहें तो ला सकते हैं और खुद फाइट मारे तो कंपनियां आ भी जाती हैं, कोर में जॉब लग जाती है, और जहां तक नॉन कोर की बात है तो अगर वो कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स एक्वायर कर ले तो नॉन कोर में जॉब लग जाती है। आपसे पूछना चाहूंगा NIT कुरुक्षेत्र के बारे में, स्पेशली आपके डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, कि अगर कोई बच्चा NIT कुरुक्षेत्र इसलिए ज्वाइन करता है कि साहब मेरे को नौकरी ही लेनी है, मेरे को PhD नहीं करनी, मेरे को जॉब चाहिए, तो उसको शुरू दिन से क्या करना चाहिए और क्या उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोर नॉन कोर बोथ? ओके तो सर बेसिकली होता क्या है कि जैसे मेरी ब्रांच थी पावर सिस्टम, मेरा इंटरेस्ट थी सिर्फ पावर सिस्टम था, मैं और कुछ फिल नहीं किया था, तो पावर सिस्टम में प्राइवेट कंपनीज बहुत कम है अच्छा ये इसमें। पावर सिस्टम में या तो आप देखेंगे पावर ग्रिड है, NTPC है, या ऐसी कंपनीज जो हैं, या हाइड्रो पावर प्लांट्स की कोई कंपनियाँ हो गई, तो बेसिकली या तो PSUs हैं या उन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं
उन सबको गवर्नमेंट ओन करती है। तो होता यह है कि पावर सिस्टम जैसी कोर ब्रांच में आपका प्लेसमेंट होना बेसिकली मतलब बहुत टफ है, बहुत बहुत रेयर है। बट फॉर नॉन कोर सेक्शन जिसमें आप चाहे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लीजिए, चाहे कंट्रोल सिस्टम को ले लीजिए, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन को ले लीजिए, कम्युनिकेशन है, इन इन ब्रांचेस में आपका जो प्लेसमेंट है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक कोर कंपनी थी कमिंस इंडिया नाम से, जो बेसिकली जनरेटर वगैरह बनाती है, काफी बड़ी कंपनी है, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। बट क्योंकि मेरा एक पुराना पाप था 12th क्लास का, जिसमें मेरी परसेंटेज थी 59%। अच्छा। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद जब उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे, अच्छा, मैंने उन्हें सेंड किया, तो मेरे पास एचआर का कॉल आया कि मनीष आपका तो परसेंटेज 59 है। अच्छा। सर ये तो पहले ही मैंने मतलब पहले हो गया था सब कुछ, आपने मुझे एमटेक की बेसिस पे लिया है वैसे। बोले मनीष ये कंपनी का रूल्स है, ये है और वो है, सब चीजें करके मैं वहां से बाहर हो गया था। अच्छा। तो ऐसा नहीं है क्या बिल्कुल प्लेसमेंट्स नहीं है, प्लेसमेंट्स का जो लेवल है वो काफी अच्छा होता जा रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ये सोच के आते हैं कि मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए, देन आपको एफर्ट एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे। जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है या ऐसे कुछ लैंग्वेजेस हैं तो आपके कोर से भी रिलेट करती हैं, अच्छा, उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ एक लड़का था, उसको काफी सारी लैंग्वेजेस आती थी, उसको पाइथन आता था, C++ आता था, काफी उसको लैंग्वेजेस आती थी। उसका सबसे पहला प्लेसमेंट हुआ था हमारे यहाँ से। अच्छा, गुड। और उसका शायद पैकेज भी 16 लाख के आसपास का उसका पैकेज था। तो मतलब अगर कोई शुरू दिन से भिड़ जाए सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड ऑल सारा, क्योंकि कोर कोर ब्रांचेस कहीं ना कहीं अब जाके डाइवर्ज होती हैं सिस्टम पे ही, सॉफ्टवेयर पे। पावर सिस्टम देख लीजिए या मैकेनिकल कोर ब्रांचेस देख लीजिए, सब कहीं ना कहीं आके उनका एंड कंप्यूटर पे होता है, उनकी प्रोग्रामिंग पे ही होता है। तो अगर आप पे वो आती है देन डेफिनेटली आप वहाँ पे प्लेसमेंट ले जाएंगे। चलो मतलब ऐसा नहीं है कि सब एनआईटीज में प्लेसमेंट नहीं है, मतलब एनआईटीज में हो जाता है, और आपको शुरू दिन से फाइट मारनी है अपनी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स एक्वायर करनी है और फिर यू कैन गेट अ गुड जॉब। एंड आपने जो कोड किया कि 15-20 लाख का भी पैकेज लग सकता है जो आपने कोड किया। अच्छा मनीष, अब चलते हैं आपके पीएचडी की तरफ, कि पीएचडी में आपने अप्लाई किया, समर्स में भी आपको कॉल आया, आई थिंक यू कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन विंटर में आपको कॉल आया, चार जगह ही अप्लाई किया और चारों जगह से कॉल आया। एंड आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि साहब मैंने अप्लाई वहीं किया जहाँ मेरे को लगा प्रोफेसर मेरी डोमेन से रिलेटेड हैं, तो मैंने उन्हीं के साथ अप्लाई किया। तो क्या आपने प्रोफेसर को अप्रोच भी किया या डायरेक्ट अप्लाई कर दिया प्रोफेसर देख के? सर इसके रिगार्डिंग आईआईटी जम्मू में सिर्फ एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर शुक्ला थे, मैंने उनको अप्रोच किया था, उनको मैंने मेल किया सिर्फ कि सर मुझे आपके अंडर पीएचडी करनी है, दिस इज माय फील्ड, मैंने ये काम किया हुआ है। तो पूरे एसओपी के टाइप मैंने उनको बना के भेजा। तो उनका मेरे पास कोई रिवर्ट नहीं आया, उनका मेरे पास ना समर में आया था ना विंटर में आया। अच्छा। लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे रहा था आईआईटी जम्मू का, तो अनफॉर्चुनेटली वही मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे, यस सर, क्योंकि नाम से पहचान गया था मैं। तो मैंने उनको कुछ बात चल रही थी ऐसे इंटरव्यू में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको अपना एमटेक का वर्क कंटिन्यू करना है या आपका कुछ नया प्लान है। तो मैंने कहा सर अभी तक तो मैंने यही सोचा है कि एमटेक में जो मैंने सीखा है उसको और फर्दर लेवल पे लेके जाया जाए। तो मैंने साथ में यही बोल दिया कि सर मुझे वैसे आप ही के अंडर पीएचडी करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इट विल बी माय प्लेजर टू हैव यू एंड आप मुझे अपनी एक बार थीसिस सेंड कर दीजिए। आपने वाला भेजी हुई है? मैंने कहा सर थीसिस नहीं भेजी, मैंने एसओपी भेजी थी। श्योर, मैंने आपको वैसे मेल किया हुआ था, लेकिन मैं आपको थीसिस मेल कर देता हूं। बोले मैं उससे एक बार गो थ्रू हो जाऊंगा। अच्छा। तो फिर मैंने उनको थीसिस भेजी अपनी, थीसिस उन्होंने पढ़ी, करीब 7-8 दिन बाद उनका मेरे पास वापस कॉल आता है कि मनीष, तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था वैसे जम्मू का, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मनीष मैंने आपकी थीसिस पढ़ी है, आपका काम काफी अच्छा लगा मुझे और आपको मैं मतलब मेरा भी इंटरेस्ट है कि आप मेरे अंडर में काम करो, हम इस फील्ड पे काम करेंगे। आप उन्होंने मुझे एक दो टॉपिक दे दिए, जैसे रियल टाइम सिमुलेशन का एक उन्होंने मुझे टॉपिक दिया कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं आपको एक वीक में दोबारा कॉल करता हूँ, फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और इस कॉल को आप इन अ पॉजिटिव वे आपको लेना है, ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन हो गया, हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाए। मतलब ये पता भी चल रहा था मुझे कि वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर भी नहीं किया था उनका कि शायद आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद फिर मेरे पास करीब 4-5 दिन बाद मेरे पास कॉल लेटर आ गया था सीधा। गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा अब ये बताओ, मनीष के आपके इंटरव्यूज कैसे गए थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। सर मेरे इंटरव्यूज जो है वो मतलब शुरू से बहुत अच्छे गए हैं। ऐसा नहीं है मुझे मतलब नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने एमटेक में काम किया हुआ अपने रिसर्च पे। तो फिर जब आपने
आपने रिसर्च का काम किया होता है तो फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक है, जो गेट का लेवल के क्वेश्चन है, वो बहुत कम हो जाते हैं। फिर आपके रिसर्च बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मेरा IIT मद्रास का इंटरव्यू था इस बार, और IIT मद्रास में मेरा इंटरव्यू, उन्होंने मुझसे 7 क्वेश्चन पूछे और मैंने 7 के 7 का आंसर नहीं कर पाया था। तो वो मेरा इंटरव्यू सबसे खराब गया होता। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेरे रिसर्च पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने जो भी पूछा सिर्फ वो गेट लेवल का, जो कि मुझे पढ़े हुए काफी टाइम हो गया था, और वो भी कुछ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनके प्रोफेसर हैं वहाँ के एटलीस्ट। तो वो इंटरव्यू मेरे सबसे खराब गया था। उसके बाद मेरे इंटरव्यूज काफी अच्छे गए हैं। इवन कुछ इंटरव्यूज में मुझे लगा कि हाँ, इससे मेरा फाइनल सेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता था कि 4 IITs में पक्का हो जाएगा, एक रुड़की में, एक जम्मू में, एक रोपड़ में, एक पटना में। लेकिन पटना में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। लेकिन जब मेरा रुड़की में हो गया था, मैंने जम्मू को छोड़ के दोनों IITs में मेल डाल दिया था कि सर मैंने IIT रुड़की ज्वाइन कर लिया है, तो आप मुझे कंसिडर नहीं, आगे नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिना फालतू में किसी एक बच्चे की सीट खराब होती, इस वजह से मैंने ये स्टेप लिया था। सही है। ओके, सो आपको मनीष, ये जो रुड़की और जम्मू में आपकी सिलेक्शन हुई, इसका क्या क्या रीजन लगता है आपको? कैसे आपने क्या किया ऐसा इंटरव्यू में कि आपकी सिलेक्शन होगी? अगर सिंपल एक वर्ड में बोलूं तो मेरा रिसर्च वर्क जो मैंने M.Tech में किया हुआ है, क्योंकि वो मुझे हाईएस्ट पेड जो किया है वो उसी ने किया। मेरी 2 रिसर्च की कॉन्फ्रेंसेस थी जो मैंने अटेंड की हुई थी, जो मैंने पेपर निकाला हुआ था, उन्हीं के बेसिस मेरी सारी थीसिस थी। तो उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर लर्न किया था। तो जब भी मैं अपने स्किल में उस सॉफ्टवेयर को डालता था, तो प्रोफेसर जो हैं, जो सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हैं या उस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं पहली प्रायोरिटी बन जाता था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ऐसा है कि वो हर मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एक गेम्स नाम का सॉफ्टवेयर है, ऑप्टिमाइजेशन का सॉफ्टवेयर है ये। तो ये बेसिकली हर कोई इसके बारे में जानता नहीं है और इतना पॉपुलर नहीं है, जैसे मैटलैब वगैरह पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे गेम्स नहीं है। लेकिन जब भी मेरे बायो में या मेरे उसमें गेम्स दिखता था, तो प्रोफेसर जो उस पर काम कर रहे होते थे या जिन्होंने उस पर काम किया हुआ है, उनका मुझ में इंटरेस्ट होता था। तो इन प्रोफेसर का मेरे पास कॉल भी आया था, एक वहाँ के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बोला कि मनीष, हम एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर पर आपने काम किया, हमने अभी परचेज किया इसको, और हम चाहते हैं कि आप मेरे अंडर PhD करें। तो मेरे पास सिलेक्शन के सॉफ्टवेयर है क्या मनीष, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए क्या है ये सॉफ्टवेयर? सर ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, लेकिन उसपे ऑप्टिमाइजेशन एक छोटा सा पार्ट है सिर्फ। अच्छा, लेकिन ये डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। क्या नाम बताया आपने? GAMS, GAMS। अच्छा, GAMS। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही यूज करते हैं, बाकी भी करते हैं? सर ये हर डोमेन में इस्तेमाल होता है, हर डोमेन में इस्तेमाल होता है। ओके, तो आपने तो आपने इसको कहाँ से सीखा था? सर जो मेरे प्रोफेसर थे मेरे NIT कुरुक्षेत्र में, उन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एक दो PDF भेजी, एक दो बुक्स भेजी, फिर मैंने इसको जो बेसिकली सीखा था वो सीखा था यूडेमी से। अच्छा, यूडेमी से हमने सीखा। जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है। सॉरी सर, पैसे देने पड़ते हैं या फ्री सीख सकते हैं? सर वहाँ पे उस टाइम सेल चल रही थी, तो शायद 355 के आसपास का कॉस्ट थी उसको। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या बाकी इंजीनियर है BTech में, आपकी क्या एडवाइस है उनको, ऐसे सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहिए क्या? सर सबसे पहले होना चाहिए कि आपको लिटरेचर पढ़ना है। अच्छा, आप लिटरेचर का रिव्यूज कीजिए, उनको देखिए कि आपको कौन सा एरिया ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको क्या लगता है कि हाँ इस एरिया में मैं रिसर्च गैप को फाइंड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, फिर उसको ब्रिज करना बाद की बात है, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता है। एंड देन उस चीज पे आपको देखना है कि फिर अगर मेरा एरिया फाइनलाइज हो गया, जैसे EV हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी ने फाइनलाइज कर लिया, तो अब देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कौन कौन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो उस पे उसके लिए बहुत यूजेबल हैं, जैसे GAMS उसके लिए इस्तेमाल होता है, MATLAB उसके लिए इस्तेमाल होता है, और हम प्राइवेट कॉलेज वाले कुछ ऐसे होते हैं कि हम पे MATLAB तक ढंग से नहीं आता, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो MATLAB था ही नहीं, तो क्योंकि परचेस करना पड़ता है कॉलेज के लिए, कॉलेज का लेवल इतना बड़ा नहीं होता, तो आपको किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर को तो मास्टर करना पड़ेगा, तभी आपके लिए एक एज आएगा। सही है। अच्छा मनीष, अब आप IIT रुड़की ज्वाइन कर रहे हैं, और थोड़ा सा मेरे को बताइए, क्योंकि प्रोफेसर भी आपने फाइनलाइज कर रखे हैं, तो अगर आप उनके प्रोफाइल के बारे में और उनके रिसर्च वर्क के बारे में हमें थोड़ा सा बता सकें, जिनके अंडर आप PhD करने वाले हैं। जी सर, डॉक्टर दीप किरण सर हैं वहाँ पे, जो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं,
उनके अंडर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। उनका जो बेसिक वर्क है वो ऑप्टिमाइजेशन को लेके ही है, अच्छा जैसे ऑप्टिमल पावर फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या लोड फ्लो होता है, तो जितनी लाइंस हैं इनमें से पावर को कैसे ऑप्टिमली फ्लो कराया जा सके उसके लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनका बेसिकली डोमेन है ओके सर। और उस पर इन्होंने, सर ने भी काफ़ी पेपर्स निकाले हुए, काफ़ी ट्रांजेक्शन सर की हैं इस चीज़ पे। ओके वो आईआईटी दिल्ली से शायद पास आउट हैं, तो अच्छा आईआईटी दिल्ली का पीएचडी है। ओके सो अभी आपने मनीष जैसे पीएचडी ज्वाइन किया, तो इसके बाद आपके क्या ऑप्शंस हैं? व्हाट आर यू प्लानिंग आफ्टर दिस, आफ्टर पीएचडी? सर जब मैंने बीटेक के बाद इंडस्ट्री में काम किया था तो मुझे ये तो फील हो गया था कि मैं शायद इंडस्ट्री के लिए तो नहीं बना। अच्छा जब मैंने टीचिंग शुरू की तो टीचिंग में मुझे लगा कि हाँ ये है, शायद एक बाई लक मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, शायद मुझे मेरा पैसा दिखाने के लिए ही। वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो बहुत मतलब इंटरेस्ट लेते थे, इवन पूरे क्लास में, पूरे कॉलेज में नहीं आते हैं लेकिन सिर्फ मेरी क्लास के लिए अटेंड करने के लिए कॉलेज में आते थे। तो अच्छा मुझे वहाँ से लगा था कि हाँ मैं टीचिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और शायद ये मेरा डोमेन है। फिर ये जब मैं कहाँ एनआईटी पे कुरुक्षेत्र, लीजिए? सर मैंने की थी 18 में मैंने इसको स्टार्ट किया था, करीब 7-8 महीने इस पर मैंने काम किया था। अच्छा ओके उसके बाद जब मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में था तो वहाँ प्रेजेंटेशन होती थी, जो सेमिनार्स होते थे वहाँ पे, एक प्रोफेसर थी वो सेमिनार ले रही थी। तो वहाँ पे मैंने जब सेमिनार दिया तो बाद में मुझसे मैम ने कहा कि मनीष आपको टीचिंग करियर परस्यू करना चाहिए, आपके ये स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं। तब ये मेरा फाइल हो गया था कि हाँ मुझे टीचिंग में ही जाना है, तो इसलिए मैंने पीएचडी को आगे कंटिन्यू किया। ग्रेट, चलो मैं, बहुत सही है। और अब मेरे को ये बताइए कि पीएचडी के बाद आपका क्या प्लान है आगे करने का? यही है टीचिंग करने का है या कुछ और भी आप सोचा है? सर अभी मैंने पोस्ट डॉक का सोचा है वैसे, इसके बाद तो किसी अच्छा फॉरेन कंट्री से। अच्छा मतलब वैसे हमारे, टीचिंग। यस सर, पहले पोस्ट डॉक करना है उसके बाद टीचिंग पर जाना तो है। मनीष, जो जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एकेडमिक करियर लीड करना चाहते हैं, रिसर्च टीचिंग एकेडमिक करियर लीड करना चाहते हैं, उनके लिए लास्ट कुछ आपकी जो एडवाइस हो? अगर टीचिंग करियर में अगर कोई आना चाहता है तो सबसे पहले ये कि टीचिंग आपका पैशन होना चाहिए। सही है। ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको बस लगता है कि मुझे बीटेक के बाद जॉब नहीं मिलती है तो मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया, कम से कम 12,000 मिलेंगे। उसके बाद जब सही एमटेक एमटेक के बाद जॉब नहीं मिली तो मुझे पीएचडी का लेना चाहिए ताकि कम से कम 30,000 तो मिलते रहेंगे मुझे, 30-31,000 मिलते सही रहेंगे। सही तो परफेक्ट। ये वाली अगर आपकी थिंकिंग है देन आपका फ्यूचर नहीं है कुछ भी इसमें, सही है। आप टीचिंग बहुत अच्छे से कभी नहीं कर पाएंगे, आपके लिए वो हमेशा बर्डन रहेगी। थोड़े से एफर्ट डालिए, थोड़े से और कोर्सेज आप ज्वाइन करके कहीं ना कहीं आप प्लेसमेंट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इतने साल बिगाड़ने से अच्छा सही सही है। तो टीचिंग है। में तभी, अगर इस लाइन में तभी जाओ अगर इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो नोट। सही है, यस चलो बहुत सही मनीष, बहुत सिंपल टर्म में, बहुत स्ट्रेट टर्म में आपने सारी बातें बताई हैं। और जैसा इंफॉर्मेशन आता है ना, आप जैसे लोगों से जिन्होंने खुद फील किया है, खुद देखा है, वो इंफॉर्मेशन जो बडिंग स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वेरी श्योर कि जो आपका इंटरेक्शन हुआ है अभी यहाँ पे, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जो अकेडमिक्स की तरफ अपना करियर ले जाना चाहते हैं और उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है इसमें जो आपने दी है कि आपका एमटेक का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप कुछ कोर्सेज पे जरूर काम करें, सॉफ्टवेयर स्किल्स अपनी एनहांस करें, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी और ये चीज नॉट ओनली आपको जॉब दिलवाएगी बट आगे आपके करियर अपॉर्चुनिटीज भी ओपन करेगी। सो ये आपका क्रक्स था पूरे के पूरे इंटरेक्शन का। लेट मी अगेन थैंक यू मनीष, आपने टाइम दिया मेरे को आज, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इनटू प्रेस्टिजियस आईआईटी रुड़की, एंड वी विल ऑलवेज बी इन कॉन्टेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।